अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद सूफी अली। आज हम बनाने जा रहे हैं न्यूट्रीला चॉकलेट कुकीज। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है और अच्छी भी है ये, तो प्लीज ट्राई करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसे बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। ये हमारे पास न्यूट्रीला है, ये हमारे पास है हाफ कप शुगर है, 1.5 कप फ्लोर है, हाफ कप ये बटर है, 1 टीस्पून वनीला है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है और पिंच ऑफ सॉल्ट है, ये 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च है और 1 एग है। तो चलिए सबसे पहला प्रोसेस बताते हैं कि क्या है। ये हमारे पास न्यूट्रीला है, इसको अभी फ्रिज में रखना पड़ेगा 1 आवर्स के लिए। तो छोटे छोटे से इसके हमें चिप्स बनाने हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास रूम टेम्परेचर है और इसके हमें छोटे छोटे चिप्स बना के और फ्रिज में रख के जमाने हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, फिर हम अपना आगे का प्रोसेस बताएंगे। देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए इस तरह से, अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 आवर्स के लिए। चलिए इसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। पहले ये हो गया हमारा फ्लोर, शुगर, शुगर को मैंने पाउडर करके डाला है, ये कॉर्न स्टार्च हो गया हमारा, ये बेकिंग सोडा, ये पिंच ऑफ सॉल्ट। अब ये पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से आपस में। इसमें हम ऐड करेंगे ये वनीला एसेंस, बटर, पूरा बटर अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे और सारी चीजें डाल के मिक्स करेंगे इसको। ये हमारा बटर हो गया और ये एक इस तरह से इसको पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ऐसे। इसको फिर हाथ से भी इसको अच्छी तरह से हाथ से भी इसका डो बना ले। ये देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है इसका, कोई पानी कोई मिल्क कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, बिल्कुल प्लेन ऐसे बस सिर्फ बटर और ये डाला है। तो ये देखिए मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं, ये चोको चिप्स जैसे रेडी हो गए हैं। इनको बीच में स्टफिंग करने के लिए ये एक ट्रे तैयार की है, इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है। अब इसमें थोड़े चोको चिप्स अंदर भी ऐड करूंगी, फिर उसके बाद ऊपर में थोड़े से लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से फिर ऊपर भी उस स्टिक कर देंगे तो अच्छा आएगा ये। चलिए एक बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सॉफ्ट सा एक को लेना है, थोड़ा बड़ा करना है क्योंकि ये बीच में हमें स्टफिंग करनी है इसकी। इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करेंगे और ये हमारा, इसको मैंने 1 आवर्स रखा था और नीचे रखा था, अगर इसे हम ऊपर रख देंगे तो और अच्छा होगा, फ्रीजर में रख देंगे तो अच्छे से क्यूब जैसा बन जाएगा। ये देखिए हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स अपने लगा देंगे और मैंने ओवन रखा है प्री हीट करने के लिए 200 डिग्री पे। तो चलिए इसी तरह से सारे बना लेते हैं, फिर आप मिलते हैं। ये देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं इस तरह से। ये देखिए ये कुछ छोटे बनाए जो हैं छोटे वाले, तो इनमें मैंने ये नहीं न्यूट्रीला लगाया है। तो चलिए ये हम रखते हैं ओवन में, हम ओवन हमारा प्री हीट हो रहा है तो इसमें हम रखेंगे ओवन में 15 मिनट के लिए। चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ये देखिए हमारे कुकीज इतने ज़बरदस्त से रेडी हैं। ये मैंने इसमें वो डाला था न्यूट्रीला अंदर फिल किया था, तो कितना अच्छा सा उसका ये आया है टेक्सचर, देखिए इस तरह से। ये देखिए और अच्छा सा क्रंच भी आया है। तो आप लोग ये बनाएं, ट्राई करें अपने घर में और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।